केप टाउन में चढ़ा अर्चना गौतम पर भोजपुरी गाने का खुमार। भोजपुरी गाने पर ऐश्वर्या शर्मा भी मचा रही हैं बवाल। रील बनाकर एक्ट्रेसेस ने उड़ा दिया गर्दा। हेलो, आप देख रहे फर्स्ट इंडिया टैली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी। बता दें, इन दिनों खतरों के खिलाड़ी 13 को लेकर फैंस के बीच बज़ बना हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये शो टीवी पर कब टेलीकास्ट होगा। लेकिन इसी बीच जो कंटेस्टेंट है वो आए दिन अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ और पोस्ट शेयर कर अपने फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल में ही अर्चना गौतम ने एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया है जिसे देखने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आपको बता दें, अर्चना गौतम जब से केप टाउन गई है उनके और ऐश्वर्या के बीच काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है। जी हाँ, उनके हर पोस्ट में उनके साथ ऐश्वर्या शर्मा ज़रूर नज़र आएंगी। अभी हाल में अर्चना गौतम ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनके साथ अंजुम, ऐश्वर्या और नायरा नज़र आ रही हैं। वो लोग एक भोजपुरी गाने पर काफ़ी मज़ेदार वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, अर्चना गौतम के इस वीडियो को फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उस पर भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं। जब से अर्चना गौतम केप टाउन गई हैं, आए दिन अपने इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। उन्होंने अभी हाल में एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो किचन में अरिजीत के साथ रोमांस करती नज़र आई। लेकिन अर्चना गौतम ने ये भोजपुरी गाने पर जो रील शेयर किया है उसे देखने के बाद सभी का दिल खुश हो गया। जी हाँ, आप भी एक नज़र डालिए अर्चना गौतम के इस पोस्ट पर। शांति रे भैया, हमारो दुकानदारिया चला था लोगन। अरे जवने कल जवाब में करेलू पढ़ाई, आपको बता दें, जितने भी कंटेस्टेंट केप टाउन गए हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए दिन वीडियोस और पोस्ट शेयर कर अपना अपडेट देते रहते हैं और अपने फैंस के एक्साइटमेंट को बढ़ाते रहते हैं। अब अर्चना गौतम के इस वीडियो ने फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें, बहुत जल्द खतरों के खिलाड़ी 13 का आगाज होने वाला है और जो फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियोस को देखकर अपने एक्साइटमेंट को और ऊंचे लेवल पर ले जाइए। और अर्चना गौतम का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।